दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है रानी सती एंटरप्राइजेस के संचालक श्री अनिल अग्रवाल जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो सोयाबीन ऑयल में जो तेजी का जो माहौल बना हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है, उस बारे में बताइए। उसका मुख्य कारण एक तो अपने भारत में जो क्रॉप होता है वो करीब करीब 40% डैमेज हो गया है, और दूसरा भारत इम्पोर्ट करता है सोयाबीन ऑयल को अर्जेंटीना और ब्राज़ील से, तो अर्जेंटीना में भी थोड़ा सा क्रॉप डैमेज हुआ है, प्लस वहाँ मजदूरों की स्ट्राइक चालू है एक महीने से, तो कटाई नहीं हो पा रही है वहाँ पे, वो भी एक कारण तेजी का बन गया है ये। और दूसरा यहाँ पे शादियों की गिरायकी, तीनों कारण मिलके थोड़ा तेजी का वातावरण बना हुआ है। ऑयल में जो तेजी की वजह से प्रशासन में एक हाहाकार मचा हुआ है कि फेस्टिवल सीजन नहीं होने के बावजूद भी इतने तेल में दाम क्यों बढ़े, कहीं होल्डिंग तो नहीं उसका पीछे मुख्य कारण? नहीं, होल्डिंग तो आजकल व्यापारी ज़्यादा करता नहीं है, और मॉल हो गया, ये बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हो गई है वो भी रोज आता है, रोज माल बेचते हैं, होल्डिंग वाला कुछ नहीं है, तो सब फॉरेन की वजह से बढ़ रहा है रेट। न सिर्फ सोयाबीन बल्कि सभी तेलों पे उसका इफेक्ट गिरा, उसका इफेक्ट गिरता है, क्योंकि अपना इंडिया जो है 47% इम्पोर्ट करता है, जितनी खपत है उतना माल होता नहीं है, 53% टोटल होता है, 47 इम्पोर्ट करना पड़ता है, फॉरेन अगर तेज जाता है तो यहाँ भी सब तेजी हो जाती है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो वैश्विक मंदी है और एक तरह से कोरोना की जो दहशत है उसकी वजह से आयात निर्यात पे उसका फर्क गिरा है? थोड़ा सा गिरा है, ज़्यादा तो नहीं पड़ता उसका फर्क, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी को सब जगह छूट है, माल आ रहा है बरोबर, सब हो रहा है, पर रेट वहाँ पे बढ़ रहे। मलेशिया में भी जो क्रॉप है पाम तेल का, वो करीब करीब 27% डैमेज हुआ है, उसका भी एक बहुत बड़ा फर्क है। तीसरा कारण चाइना बहुत लेवाली में चल रहा है, कि पिछले 5-6 महीने से वो लेवाली नहीं थी उसकी, अब वो एक सरी का एक क्रिसमस ये वो सब कारणों से एक सरी की लेवाली है, वो भी एक फैक्टर है कि फॉरेन में रेट बढ़ रहे हैं। सरकार ये बढ़ रहे तेलों पे नियंत्रण लाने के लिए उपाय योजना कर रही है, तो आप व्यापार लोग उसका स्वागत करते हो? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, और सरकार को चाहिए कि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दे, वे काफ़ी ज़्यादा है, तो एक थोड़ा सा मार्केट ने घटे नहीं तो भी बढ़ना तो रुक जाएगा इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने पे। और दूसरी वजह ये भी कि तेजी की वजह से जो होटल अभी इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है या नाइट कर्फ्यू अभी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जो होटल व्यवसायिक है उनके भी एक दोहरी मार गिर रही है इसके। हाँ, दोहरी मार गिर, तो उसका इफेक्ट दूरगामी होगा क्या आपके हिसाब से? होगा ना, उनके रेट बढ़ते हैं, सब रेट बढ़ेंगे, उनकी भी कस्टमर सब खराब होंगे, एक तो इतने दिनों बाद चालू हुआ और रेट बढ़ने से भाई ऑयल का रेट बढ़ा, दूसरी अदर चीज़ों के भी रेट, खाने पीने के सब तेज जा रहे हैं, तो उसके कारण फर्क तो पड़ेगा। क्या वजह है कि जो ऑयल के जो रेट है, जो ट्रेडिंग जो करते हैं ऑयल का, उसके ट्रेडिंग में फर्क रहता 50-50 रुपये, 20-20 रुपये, 10-10 रुपये, ऑयल टीम पे बोलो या लूज ऑयल में, इसमें फर्क रहता, तो इसकी वजह क्या है? मुख्य वजह ट्रांसपोर्टिंग भाई, जिसको जितना खर्चा आता है, फैक्ट्री तो सबको एक ही रेट में माल देती है, जिसका जितनी दूर रहा है या खर्चा ज़्यादा आता है, या कई लोग रहते हैं कि भाई मैं 1% पे धंधा करूँ, कई रहते 2% पे करूँ, इसलिए 10-20 रुपये टीम का फर्क आते रहता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मॉल है, मॉल में भी देखा गया है कि जैसे आप लोगों के दाम में वृद्धि हो जाती है, लेकिन वो पुराने रेट में बेचते हैं, उस तरफ लोग भी आकर्षित होते, क्या वजह होगी? उन लोग के पास इतनी आइटम्स है कि वो एकदम तेजी आई नहीं आई उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और उनके यहाँ जो रेट में परचेसिंग होता है वही रेट में सेल चालू रहता है उनका, तो कई बार यहाँ मार्केट में तेजी आने से तुरंत रेट बढ़ जाते हैं, उनके वही रेट चलते रहते हैं, तो कस्टमर भी आजकल बहुत होशियार है, वो देखता है यहाँ ये रेट है और मॉल में कम है तो मॉल की तरह आकर्षित होता है और वो वहाँ लेते हैं। ये खाद्य पदार्थ के दाम में जो बेताश वृद्धि हुई है, इसको रोकथाम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए सरकार कुछ कारगर कदम भी उठाने जा रही है, तो आप व्यापारी लोगों को रुझान कैसे? बिल्कुल सकारात्मक है, उसमें करना चाहिए गवर्नमेंट ने, कि भाव को नियंत्रण में रखना जरूरी है, इससे क्या है गरीबों को बहुत मार पड़ रही है, पहले ही कोरोना की मार पड़ी हुई है, ऊपर से ये सब तेजी, जैसे अभी प्याज में भी उन्होंने भाव को रोका, आलू में भी रोका, ऐसी तेल में भी ड्यूटी कम करके उसको रोक सकते हो। आप एक व्यापारी हो, ऑयल व्यापारी हो, तो आपके जो ग्राहक है या व्यापारी बंधु, उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे?
ये बढ़ते हुए दामों के उपलक्ष्य में क्या मैसेज देना चाहूँगा? भाई उसमें मैसेज तो क्या है कि कम से कम उपयोग करा जाए उसका, और थोड़े दिन का है ये, जैसे फॉरेन वगैरह में बाजार घटेंगे तो यहाँ भी घट जाएंगे, नया क्रॉप अभी आने ही वाला अमेरिका में, पर कटाई नहीं हो पा रही है, वो आ जाएगा तो वैसे भी रेट घट जाएंगे महीने डेढ़ महीने में।